बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस तरह से वर्धा यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र जो कि पीएचडी के लिए इस वक्त स्कॉलर है, उसे उसकी पीएचडी को किस तरह से लटकाया गया था, किस तरह से रोका गया था और उसकी पीएचडी कंप्लीट होने यानी कि उसकी थीसिस कंप्लीट होने के बाद भी उसको जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसमें प्रमुखता से सारे ब्राह्मण लोग हैं और उन लोगों ने साजिश करके वो विभाग प्रमुख जो हैं सुप्रिया पाठक, उन्होंने भी साजिश करके रजनीश अंबेडकर की पीएचडी रोकने की पूरी कोशिश की थी। इसके खिलाफ रजनीश अंबेडकर ने आंदोलन किया, बहुत सारे पहले पत्र लिखे, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया और आज ये रिज़ल्ट आया, ये परिणाम हुआ कि अब उनकी वो पीएचडी वो थीसिस जो कि उन्होंने जमा कर दी थी और जमा करने के बाद उनसे गाइड बदलने को कहा जा रहा था, वो सारे जो निर्णय हैं वो वापस लिए गए हैं। एक तरह से प्रशासन जो है, ब्राह्मण मैनेजमेंट जो है वहाँ का, वो झुक गया है और अब उनकी जो थीसिस है वो जांच के लिए भेजी जाएगी और उनके साथ हुए तमाम जो अन्याय हैं उस अन्याय के खिलाफ जो भी उनको मानसिक प्रताड़ना हुई, आर्थिक जो उनकी दिक्कत हुई है, उस सारी दिक्कतों को देखते हुए उसे एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि उनकी सारी कठिनाइयों की परिपूर्ति की जाएगी। साथ ही जो इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी हैं यानी कि सुप्रिया पाठक है या संबंधित और भी जो अधिकारी हैं जो कि उस विभाग के प्रमुख हैं जिन्होंने साजिशन इस पीएचडी को लटकाया था, उन सभी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाने वाली है। ये आदेश, इस तरह का आदेश जो है एक जारी किया गया है। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक आंदोलन की जो है ये सफलता है और अगर कभी भी आपके साथ अन्याय हो तो निश्चित रूप से झुके नहीं बल्कि आंदोलन करें। कई लोग समझौता कर लेते हैं, कई लोग समझौता के लिए कहते हैं लेकिन समझौता करने के बजाय अगर आप आंदोलन करें और अपनी बात पर अडिग रहें तो निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलती है। हमने भी बहुत सारे कार्यक्रम आपको आईबॉक्स में आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम हमने बहुत इस न्यूज़ को कवर करने के लिए हमने यहाँ पर अपलोड किए थे, आपने भी देखे होंगे, हमने भी ये खबर आपको दिखाई थी। किसी भी अत्याचार पर समझौता करने के बजाय अगर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।